खुल गया निकले पैदल, क्या हो गया नेताजी को गर्मी लगेगी पैदल जाने में, दिक्कत तो ये है कुछ नहीं है। हाँ हाँ तो करवाओ ना फिर, अभी भी करवा दो पैदल। दीदी दीदी ने क्या बोला था, हम पैदल जाएंगे, पैदल जाओ, क्या हो गया, कोई जिंदाबाद नहीं है, दो वोट मिल रहे हैं वो भी नहीं रहेगी। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अरे फालतू मत बोलियो, गुंडा करते उतरे कर दो, हम क्या बोल रहे हैं, अरे हम परेशान हो रहे, बच्चे बैठे गाड़ी मारी में, हमारे गाड़ी में 3 महीने का बच्चा 1 किलोमीटर गाड़ी पीछे फंसी हुई है, आप सोच लेगा 3 महीने का बच्चा, उसको दूध चाहिए, खेलने का जगह चाहिए, गाड़ी में कैसे रहेगा। अरे उसको उतारो ना गाड़ी में, नीचे उतारो जो बैठे हैं राहुल जी उनको नीचे उतारो। अरे क्यों बहस कर रहे हो तुम, मेरा उधर चलो, उधर घूम ले तरफ, गुंडा ही दिखा रखी है, गुंडा ही दिखा रखी है, गुंडा गुंडागर्दी चल रही है। तो इनको दिक्कत ये है कि राहुल जी गाड़ी में बैठे हैं, बस इनकी दिक्कत ये है। ये तो अपनी राजनीति चमका रहे हैं, हमारा इसमें क्या कसूर है, हमें मेरठ जाना है, पीछे की पीछे बच्ची का पेपर है आज, वो बेचारी रो रही है, उसका पेपर है उसका, वो कैसे जाए बेचारी। वो बैठा गाड़ी के अंदर छुप के, उसे गर्मी लग रही है, बाहर नहीं आ पा रहा है, सब लोग खड़े हैं धूप में। अरे संभल जाना है, हेलीकॉप्टर चले जाता है, संभल जाना है, हेलीकॉप्टर चले जाता है, जनता को क्यों 20 किलोमीटर तक जनता परेशान हो रही है, अगर संभल जाना था, संभल के लोग मना कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर चला जाता है। नेताजी पैदल थोड़ी जा पाएंगे, वहाँ पे खुल गया, ये कह रहे थे एक खुलवा दो हम निकल जाएंगे, अब दूसरा खुल गया निकले पैदल, क्या हो गया, नेताजी को गर्मी लगेगी पैदल जाने में, दिक्कत तो ये है कुछ नहीं है। हाँ हाँ तो करवाओ ना फिर, अभी भी करवा दो पैदल। दीदी दीदी ने क्या बोला था, हम पैदल जाएंगे, पैदल जाओ, क्या हो गया, उड़ के ही जाओगे क्या गाड़ी से ही, पैदल निकलो, दीदी ने बोला है ना, दीदी की बात मान लो, कोई जिंदाबाद नहीं है, दो वोट मिल रही है वो भी नहीं रहेगी। और आगे जाना है तो आगे जाओ, दोनों रोड खुले हुए हैं, वहाँ पर पब्लिक परेशान है आपकी वजह से, आप कह रहे हो पद यात्रा कर रहे, अपने घर आपके घर में कोई घुसेगा ना बेवजह तो वो रोकेगा, वो रोक रहा है, वो गलत नहीं है, गलत आप 2 मिनट पीछे हो जाओ, उससे कहने में दिक्कत हो रही है, पीछे हो जाओ 2 मिनट में खुल जाएगा ये पद यात्रा करे, वो पद यात्रा करे ना भाई, 20 लोगों को लेके पद यात्रा करे, पद में जाए पद यात्रा करके, आपके नेता बोल दे हम वापस जा रहे, देखो रास्ता खुल जाता जी, थक गए क्या, पद यात्रा करके पैदल करवा लो ना, क्या हो गया, जनता परेशान हो रही है, ये देखो ये है गुंडागर्दी, गुंडागर्दी देख लो भैया, गुंडागर्दी देख लो, कुछ हम पब्लिक की बात करें तो ये भाई, हम 1 मिनट तो जाओ, यहाँ पर भी तो परेशान है, परेशान हम हो रहे हैं, तो इनसे तू बोले बोलो ना कि नेताजी अब वापस चलो, हो गया बहुत राजनीति हो गई, पब्लिक मर रही है, पब्लिक बोलो ना, वे नहीं जाने देंगे, वे जाके देखो टूटा भी जाएगा, तब पैदल निकल जाओ, पैदल निकल जाओ, पैदल, अरे गाड़ी फंस गई हमारी, गाड़ी घर में जो घुसता है उससे लड़ेंगे, इससे बोलने में दिक्कत हो रही, डर लग रहा है ना पुलिस से ही होगी, बता दी हेलीकॉप्टर चल जाते वापस जाएंगे, वापस जाने को हम खोल देते हैं, वो तो कह रहे हैं कि नेताजी वापस जाए, ये राजनीति कर रहे हैं ना, पब्लिक परेशान हो रही है, ये लोग जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अरे भाई फालतू मत बोलियो, हाँ हाँ फालतू मत बोलियो, हाँ गुंडागर्दी उतरे कर दो, हम क्या बोल रहे हैं, अरे हम परेशान हो रहे, बच्चे बैठे गाड़ी मारी में, उन तक वो जान नहीं देंगे, वे तो तुम जाओगे पीछे चल जान देंगे, वे जान नहीं देंगे, वे कह रहे हैं क्या, उनकी ड्यूटी है, उनकी तो उनकी ड्यूटी है, वे अपनी जगह सही है, वो तो हम थोड़े पीछे चल जाए, पब्लिक खुल जाएगी तो फिर आ जाइए दोबारा, यहीं या ढाई घंटा होगा हमको यहाँ बैठे बैठे, बच्चे बैठे गाड़ी में, हमारे गाड़ी में 3 महीने का बच्चा पड़ा हुआ है, 1 किलोमीटर गाड़ी पीछे फंसी हुई है, ये लोग प्रशासन से भी हमने बोला, ये लोग कह रहे हैं कि भाई नेताजी हट जाए, हम रास्ता खोलने को तैयार हैं, पब्लिक को हम परेशान कर नहीं रहे, लेकिन उनके वजह से जब नेताजी को पहले से पता है कि वहाँ पे नहीं जाना है किसी राजनेता को, फिर क्यों जा रहे हैं, अगर जाना था हवाई जहाज से चले जाता, हेलीकॉप्टर से चले जाता, पब्लिक परेशान नहीं होती, ये तो परेशान करने वाली बात है ना, ये लोग कहते तो गलती मारी नहीं मारे थे, यही तो गुंडागर्दी है, यही तो गुंडागर्दी है, पब्लिक आप कहते हो कि जो आप कहते हो कि हम पब्लिक के लिए काम करते हैं, पब्लिक परेशान है, आप पब्लिक कह रहे हैं ना कि आप वापस चले जाओ, आप चले जाओ रास्ता खुल जाएगी, आप क्यों नहीं जा रहे हैं, अगर आपको जाना ही है तो चले जाओ, वापस चले जाओ, हो गया ना आपकी राजनीति होगी ना, नहीं कर रहे हैं, अब इसमें क्या कहते हैं, तो राजनीति हो रही ना, पब्लिक को परेशान किया जा रहा है, कोई वहाँ पर कुछ नहीं होने वाला है, ये वहाँ भी नहीं जाएंगे, यहीं तक रहेंगे, लेकिन ये राजनीति करने के लिए आए हैं, पब्लिक को परेशान करने के लिए आएंगे, यहाँ भी पब्लिक मर रही, हमारे गाड़ी में 3 महीने का बच्चा 1 किलोमीटर गाड़ी पीछे फंसी हुई है, आप सोच लेगा 3 महीने का बच्चा, उसको दूध चाहिए, खेलने का जगह चाहिए, गाड़ी में कैसे रहेगा, 1 किलोमीटर 3 महीने का बच्चा है, आप क्या कह रहे हैं, ये लोग राजनीति कर रहे हैं, अब पब्लिक परेशान है,
हमारे जैसे हजारों लाखों पब्लिक परेशान है पीछे, क्या कर रहे हैं? कांग्रेस पुलिस कर रही है, नहीं पुलिस 6 बजे से हम यहाँ आए, हमने कोई इतनी भीड़ नहीं लगाई, हम रोड के सहारे खड़े, पुलिस वालों ने जबरदस्ती बैरिकेडिंग लगाई है। और सुनिए, 6 लाइन रोड ही प्रशासन के द्वारा मना कर दिया गया था कि नहीं जाने। आप सुनिए, आप गोली मारोगे उनके लोगों के साथ बैठे भी ना, मतलब दुख ना बांटे हम, नहीं हम दुख ना बांटे, जान का चले जाओ, रास्ता खुल गया यार, चले जाओ पैदल भाई, एक तरफ रास्ता खुल गया चले जाओ, अरे रोक रखा, हाथ खड़ी लगा रखी आपको, चलो जाओ पर जाओ कूदो चले जाओ, अरे उसको उतारो ना गाड़ी में, नीचे उतारो जो बैठे हैं राहुल जी उनको नीचे उतारो, गाड़ी में बैठे बैठे काम नहीं होता बाबू, अब पैदल जाओ, नहीं वो गाड़ी में बैठे हैं, ये पब्लिक परेशान कर रखी है, गाड़ी में उतारो, अरे गाड़ी में उतारो, चले जाओ पैदल जाओ, पैदल चले जाओ भाई, कोई मना कर रहे हैं क्या? हमारा तो हथकड़ी लगी हुई, हमारी गाड़ी खड़ी हुई है, बोलो आप नीचे से बाईपास, आप मेरी गाड़ी हटवा आ जाओ, मेरी गाड़ी उठवा के रखवा दो यार, आप आ जाओ हटवा के रख दो, आप गाड़ी उठवा के रख दो, हम चले जाएंगे वहाँ से, और बोलो आप खड़े रहो, आप 4 दिन क्यों बहस कर रहे हो, तो मेरा उधर चलो उधर तरफ, गुंडा ही दिखा रखी है, गुंडा ही दिखा रखी है, गुंडा गुंडागर्दी चल रही है, अरे नेताजी हमारी गाड़ी खोल रखवा दो यार, ये पुलिस नहीं खोल रही, हम क्या करें, हम तो हाथ जोड़ के कह रहे हैं नेताजी रखवा दो हमारी गाड़ी, पैदल जाओ शायद हो जाए, तो हम मना कर रहे हैं, चलो तो उधर किसी उधर खाली पड़ा ना, खाली पड़ा इधर बताओ मैडम, हम बड़े परेशान हो रहे हैं, बताओ क्या करें हम, कह रहे हैं कि गलती आप गलती पर प्रशासन की है, प्रशासन क्या गलती आप बता दो हमें, आप तो मीडिया कह रहे हैं, अरे ये तो पता नहीं क्या कह रहे हैं, ये तो कह रहे हैं कि हमें जाने दो, अब ये संभल जाके क्या करेंगे, मैडम देखिए बताओ रास्ता खुल गया वाला, राहुल जी को भेज दीजिए, भीड़ खाली हो जाएगी, ऑटोमेटिक भीड़ खाली हो जाएगी, यहाँ पर सिर्फ राहुल जी से भीड़ खाली और भीड़ लगी हुई है, राहुल जी वहाँ से निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सब निकल जाए, वो सब अपने आराम से बैठे हुए गाड़ी में, और हम जैसे परेशान हो रहे हैं, बताइए लोग हैं जिनकी गाड़ी घंटों भर से फंसी हुई है, बताइए क्या इनको, इनको इनको दिक्कत यह है कि राहुल जी गाड़ी में बैठे हैं, बस इनकी दिक्कत यह है, समझे, और इनकी दिक्कत यह है, और कोई दिक्कत नहीं, 2 घंटे से 4 दिन बैठा रहा, हमें कोई खड़े हैं, हमें निकाल दो आपकी, बोलो हमें कोई दिक्कत नहीं है, उनके द्वारा जो है वो आम जाने वाले लोगों के लिए जो है वो बड़ी, सर आप यहाँ से जाने वाले हैं ये बताइए यात्रियों को कितनी परेशानी, मैडम जी हम भी यात्री, हमारे को तारीख पे जाना था कोर्ट मेरठ, और हम 2 घंटे से आप फंसे पड़े हैं, अगर हमारे संबंध में नोटिस जाता है हमारे, कौन जिम्मेदार होगा उसका, ये बताइए ना कौन, ये तो अपनी राजनीति चमका रहे हैं, हमारा इसमें क्या कसूर है, हमें मेरठ जाना है, पीछे की पीछे बच्ची का पेपर है आज, वो बेचारी रो रही है, उसका पेपर है उसका, वो कैसे जाए बेचारी, क्या करें, एप्लीकेशन जो है वो लगातार यहाँ अड़ी हुई है, प्रशासन के द्वारा कहा जा रहा है कि हट जाएगी, नहीं जाने, मैडम कोई नहीं जाने दे रहा, कुछ नहीं जानता इस टाइम, सुनवाई नहीं, ये अपने राज्य चमका रहे हैं, ये पब्लिक परेशान हो रही है, और कुछ यहाँ से माते देख लो आप कहाँ तक जाम लगा हुआ है, हमारी गाड़ी निकलवा दो, हम चले जाएंगे, ये परेशान कह रहे जब तक ये नहीं हटेगी, जब तक गाड़ी नहीं हटेगी, और नहीं हटे वो गाड़ी निकलेगी नहीं, मतलब क्या करें, जो जाने वाले वो काफी ज्यादा परेशान है, आप भी नहीं, बिल्कुल हमारा काम है आगे मेरठ साइड पे, पर अब यहाँ से निकल नहीं पा रहे, काम हो नहीं पा रहा है, जाएंगे नहीं वहाँ पे, काम नहीं होगा, पैसे नहीं आएंगे, जिंदगी में दिक्कतें आएंगी, इन लोगों ने परेशान ही कर रखा है, कॉन्स्टिट्यूशन का मजाक बनाते हैं, फिर बाद में लोग बोलते हैं ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल, कुछ फर्क नहीं पड़ता उस सबसे, जब तक ये लोग खड़े रहेंगे तब तक कुछ होएगा नहीं, वो बैठा गाड़ी के अंदर छुप के, उसे गर्मी लग रही है, बाहर नहीं आ पा रहा है, सब लोग खड़े हैं धूप में, वो 2 मिनट के लिए बाहर निकला, अब इतना गोरा आदमी लाल तो ही जाएगा धूप में, हम लोग खड़े हैं बाहर धूप में, हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही, वो बैठने को तैयार है, उस वहाँ पे उनकी 4 घंटे 5 घंटे बैठ रहेगा इसी में, उसे क्या पता जनता कैसे परेशान हो रही है, हमें पता है ना हम कैसे परेशान हो रहे हैं, वो तो पानी भी पी रहे, हम तो यहाँ मुँह भी सूख गया हमारा, तो वो तो क्या करें गर्मी में, बताइए आप क्या करें, ये कह रहे हैं कि हम तो संभल जाके, अरे संभल जाना है हेलीकॉप्टर चले जाता है, संभल जाना हेलीकॉप्टर चले जाता है, जनता को क्यों 20 किलोमीटर तक जनता परेशान हो रही है, अगर संभल जाना था संभल के लोग मना कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर चला जाता है, हेलीकॉप्टर तो उनके होगा, हेलीकॉप्टर है उनके, हेलीकॉप्टर भी है, चौपड़ भी है, भाई यार क्यों नहीं जा रहे हैं वे, सिर्फ करना सिर्फ करना परेशान करना परेशान बस और कुछ नहीं है, पब्लिक को बेवकूफ बनाया जा रहा, कुछ नहीं पब्लिक इतनी परेशान है, 2 घंटे हो गए हम लोग यहाँ पे, दिस इज वेरी बैड, किस काम से जा रहे, मैं तो जा रहा था उत्तराखंड की तरफ, तो उत्तराखंड में काम है और फंस गए, देखिए 2 घंटे हो गए यहाँ जाम में, प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि प्रशासन की तरफ से नहीं, ये नेतागिरी, ये गलत नेतागिरी है, ये कोई तरीका नहीं हुआ, तरीका ये होना चाहिए कि अपने वो ठीक कह रहे हैं कि हेलीकॉप्टर से आते अपना उतरते और अपना सांत्वना व्यक्त करके वापस आ जाते हैं।
गाड़ी में बैठे कहीं बैठे उसे कोई मतलब नहीं है, पब्लिक को परेशान ना करे बस इतना मतलब है। वो गाड़ी में बैठे, घर में बैठे, जहाँ बैठा जहाँ बैठना बैठे, लेकिन पब्लिक को परेशान मत करे। ये पब्लिक परेशान हो रही है इसलिए बात है। प्रशासन भी कह रही है, प्रशासन पहले ही कह चुका है कि हाँ जी आपको कोई राजनेता नहीं जाएगा। तो जब आपको पता है कि नहीं जाना है तो आप रोड का तो इस्तेमाल नहीं करते। आपको जाने का बहुत शौक था, हेलीकॉप्टर से चले जाते, हेलीकॉप्टर से चले जाते, पब्लिक परेशान नहीं होती। चुनाव प्रचार में तो हेलीकॉप्टर से कभी रोड से नहीं जाते हैं। चुनाव प्रचार करना होता है सड़क से जाते हैं, नहीं जाते हैं। यहाँ तो पब्लिक को दिखाना है ना कि हम जा रहे हैं पब्लिक के लिए, पब्लिक को परेशान कर रहे हैं। आप लोगों को दिक्कत इसलिए क्योंकि राहुल गांधी गाड़ी में, राहुल गांधी नहीं नहीं गलत बात है, वो घर में बैठे, गाड़ी में बैठे, सड़क पर बैठे, उसे कोई परेशानी नहीं है, किसी से मतलब नहीं है। उनको पता है कि वहाँ पर नहीं जाना है, प्रशासन हमको रोकेगी, तो फिर सड़क का क्यों इस्तेमाल किया? ये जानबूझ के किए ना, ये पब्लिक को परेशान करने के लिए ना, या उनको पता नहीं है कि हाँ जी प्रशासन ने वहाँ पर रोक रखा है 10 तारीख को किसी राजनेता को नहीं जाना है। हर जगह बाई रोड, बाई रोड जाते हैं, आप ये बताओ हर जगह बाई रोड जाते हैं क्या? अगर कहीं भी सुनो, एक भी अगर चुनाव में भी अगर एक जगह गए हो तो अरे हेलीकॉप्टर जाते हैं, हेलीकॉप्टर जाते हैं, वहाँ पब्लिक तो परेशान नहीं होती। पंचर हो गया हेलीकॉप्टर, पर आने जाने वाले जो लोग हैं, जो यात्री हैं, जिनकी गाड़ियां घंटों से फंसी हुई हैं, वो काफी ज्यादा। सर क्या परेशानी हो रही है? कितनी परेशानी तो इतनी है, जो हमें दादरी जाना है और 3 घंटे हो गए, 3 घंटे से हम लोग खड़े हैं। अगर प्लानिंग है किसी चीज का तो आप पब्लिक को ब्रॉडकास्ट करो ना, जो हाँ जी हम इस रास्ते से निकलेंगे। कुछ पता नहीं है, हम लोग भी आए बीच में, इतनी पब्लिक खड़ी है, किसको क्या इमरजेंसी है, किसको क्या तकलीफ है, किसी तकलीफ के बारे में नहीं देखना है, बस अपना प्रदर्शन करना है। दुख यही है जो हम लोग 3 घंटे से फंसे हुए हैं। अब इसमें कोई बीमार होगा, किसी को तकलीफ होगी, कोई फिक्र नहीं है, कोई फिक्र नहीं, कोई फिक्र नहीं।